गाइज, हमने यार बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे फोन यहाँ पे Xiaomi के परचेज कर लिए हैं, और इनका क्या फायदा जब हमें कोई अपडेट प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है, तो इतने पैसे लगाने का क्या फायदा। हालांकि मुझे पता चला है कि कितने भी Xiaomi यूजर हैं अपडेट के कारण अपने फोन को भी चेंज करने वाले हैं, मतलब रियलमी या फिर ओप्पो वगैरह फोन के ऊपर जाने वाले हैं। फिलहाल देखो यार, यहाँ पे Xiaomi काफी स्लो है अपडेट के मामले में। एंड यार, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन से डिवाइस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है, एंड इसके अंदर कौन से डिवाइस को MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल चुका है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता है ना, तो हर दिन Xiaomi का कोई ना कोई अपडेट को रिलीज किया जाता है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो ग्लोबल के अंदर हो, लेकिन उनमें से कोई ना कोई तो मतलब इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाता है। तो इंडिया के अंदर कुछ न्यूज आई है, आप पहले सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको यहाँ पे Xiaomi का डिवाइस लेना होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि Xiaomi की तरफ से एक फोन को लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द, मतलब कि 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पे नए डिवाइस को लॉन्च करेगा Xiaomi, जिसका नाम है Redmi 9i। हालांकि बहुत अच्छा फोन होने वाला है, बजट फोन होने वाला है, लेकिन जो जो बंदा इस फोन को लेना चाहता है वो देख लो। बाकी यहाँ पे 3 दिन के बाद 12 बजे दिन के आपको यहाँ पे इवेंट आएगा, जिसकी सेल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ Redmi 8A Duel के बारे में। यहाँ पे एक नया न्यूज निकल के आया है कि आपको यहाँ पे Android 10 का जो स्टेबल अपडेट आया था, जो कि अभी पार्शियल अपडेट था, सभी को नहीं मिला था, लेकिन आज फाइनली सभी को ये अपडेट देखने को मिल चुका है, और सभी के अपडेटेड ऐप में ये अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, अगर आपने कर लिया है तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या फीचर्स आपको मिले हैं और क्या कुछ बग्स आपको देखने को मिला है। हालांकि MIUI की बात की जाए तो MIUI 12 अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका मैं आगे बात करने वाला हूं। तो अगला न्यूज निकल के आया है, अगर आप यहां पे Poco F1 के यूजर हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर इसे रोलिंग आउट स्टार्ट कर दिया गया है MIUI 12 का, और काफी बंदों को यह अपडेट देखने को मिल भी चुका है, और इसके अंदर कुछ ज्यादा फीचर्स तो नहीं है, लेकिन यहां पे जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशन थी उन्हें बैन कर दिया गया है। एंड ये जो रोम है काफी स्टेबल है और काफी स्मूथनेस आप अपने फोन के अंदर देख सकते हो। हालांकि ये अपडेट आपको 2 या 3 दिन के अंदर पूरा पब्लिक रोल आउट शुरू हो जाएगा और आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो बस आप वेट करो, 2-3 दिन के अंदर आपको ये अपडेट मिलने वाला है। हालांकि आपको अभी मैं एक ट्रैकर दिखाने वाला हूँ MIUI 12 का, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके डिवाइस को कितना पीछे कर दिया गया है, मतलब कि कितना डिले कर दिया है MIUI 12 आने के कारण, ठीक है। और ये डिले क्यों हुआ है आपको पता है, ये इसलिए हुआ है कि इंडिया के अंदर भी काफी एप्लीकेशन को बैन किया गया है चाइना की, और इसके अंदर Xiaomi की काफी एप्लीकेशन थी जिसे वो मतलब जो भी मतलब स्टेबल रोम बनाने की कोशिश कर रहे थे उसे सब कुछ हटाना पड़ेगा, अभी एकदम इंडिया के लिए स्पेशल यहाँ पे एडिशंस लेके आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डिले हो चुका है। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे ट्रैकर दिखाने वाला हूँ, एक बार ट्रैकर देखो आपके डिवाइस का वहाँ पे नाम पक्का होगा। तो फाइनली गाइज, आप यहाँ पे ट्रैकर्स को देख सकते हो, जिसके अंदर काफी डिवाइस को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि इस डिवाइस को सितंबर में मिलेगा, इसको सितंबर या फिर अक्टूबर में मिलेगा। तो यहाँ पे Redmi 8 को यहाँ पे अक्टूबर में मिलने के चांसेस हैं, Redmi 7 और 7A को तो अक्टूबर में ही पहुंचा दिया गया है, एंड कुछ डिवाइसेस को तो यहाँ पे मी जो है 2020 के एंड में मिलेगा, कुछ डिवाइसेस को 2021 में भी लिखा हुआ है। हालांकि देखो इतना बात कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है Xiaomi को अपडेट देने में तो शायद ये बात सच भी हो सकता है। तो खैर, आज की वीडियो में इतना, याद मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड